खबर इस वक्त आपके सामने। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शामिल कर दी है। बड़ी खबर, जींद के जुलाना से चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट। आज ही दोपहर में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। गढ़ी सांपला से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उम्मीदवार हैं। होडल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह चुनाव मैदान में होंगे। बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। हरियाणा कांग्रेस के 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। बजरंग पुनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये साफ हो गया है फिलहाल के लिए, क्योंकि लिस्ट 31 उम्मीदवारों की कांग्रेस की तरफ से जारी हो गई है। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। होडल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान चुनाव मैदान में होंगे। बड़ी खबर आपके सामने, 31 नामों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी करीब करीब वही नाम सामने आ रहे हैं। आज सीसी की बैठक थी और इसके बाद ये लिस्ट जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। बाकी और सीटों को लेकर बात करें तो नूह से आफताब अहमद एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। रेवाड़ी से चिरंजीवी राव, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की इस लिस्ट पर बात करने के लिए। संजीव, 31 उम्मीदवारों का नाम और विनेश फोगाट जुलाना से उम्मीदवार होंगी, ससुराल से चुनाव मैदान में हैं। जी हाँ, देखिए 31 उम्मीदवारों की ये जो सूची आई है, आपको ये 31 का आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण लगेगा क्योंकि अभी इस वक्त हरियाणा विधानसभा में 31 ही सदस्य हैं कांग्रेस के। और देखिए पहली सूची जो आई है वो 31 लोगों की आई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मकसूद के ये सारे के सारे सिटिंग MLAs की ही सूची है, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने बताया, सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला जो नाम है वो है जुलाना से आज ही घोषित हुई उम्मीदवार विनेश फोगाट। इनके नाम को पहले ही घोषित कर दिया था दीपक बाबरिया ने, जो कि प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनका नाम आ गया है। और अब यानी कि विनेश फोगाट ओलंपियन वो कांग्रेस के टिकट पर जुलाना से चुनाव लड़ेंगी और जैसा कि आपने बताया वो वहाँ उनका ससुराल है, तो ये एक महत्वपूर्ण सीट होगी और सारे देश की निगाहें जुलाना पर रहेंगी। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चलें कि जो बड़े नेता दो हैं हरियाणा कांग्रेस के, जो CLP नेता यानी कि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हरियाणा के, वो अपनी पारंपरिक सीट है उनकी गढ़ी सांपला, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं और गढ़ी सांपला में एकमात्र उनका ही नाम आया था, उन्हें टिकट दे दिया गया है। और प्रदेश अध्यक्ष जो है हरियाणा में हरियाणा कांग्रेस के उदयभान, वो होडल सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो सिटिंग MLAs हैं ज़्यादातर उनके ही नाम हैं, जैसे आपको मैं बताऊं कि रेवाड़ी से चिरंजीव राव चुनाव लड़ेंगे। चिरंजीव राव कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं और चिरंजीव राव सिटिंग MLA हैं। इसके अलावा आप जानते हैं मेवात की जो तीन सीटें हैं नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुनहाना, नूह से आफताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से ममन खान और पुनहाना से मोहम्मद इलियास, ये तीनों सिटिंग MLAs हैं जो कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि लड़वा जो कि सीट है नायब सिंह सैनी की, इस बार आप जानते हैं कि करनाल से बदल कर उन्हें लड़वा लाया गया है, वहाँ से उन्हें टक्कर देंगे मेवा सिंह। अभी तक जितने भी नाम मैंने आपके सामने रखे हैं या तो वो वैसे नाम हैं जो कि जीत कर आए थे या फिर उन नामों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति, यानी कि पहली सूची के बारे में आप मकसूद कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी उनके उम्मीदवार हैं, उनकी ही चली है जिनका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी मकसूद। बहुत शुक्रिया संजीव तमाम डिटेल के लिए, आप नजरें बनाए रखें। तो बड़ी खबर आपके सामने, जींद के जुलाना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट।